नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में आप देखेंगे नीति आयोग से संबंधित प्रश्न व उनके उत्तर। नीति आयोग दोस्तों एक राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्था है जो भारत सरकार की है, और इसके विषय में कुछ जानकारी आपके लिए पहले हम बता दें। राष्ट्रीय जो भारत प्रबंधन संस्था है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना सरकार के विचार मंच यानी थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, जब श्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में ये जो योजना आयोग था पहले, उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 के लिए हुआ था, और इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कार्य करते हैं। ये संस्था केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती है, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप में कार्य करती है, और ये ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसके तहत दोस्तों आर्थिक क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले, देश के भीतर और अन्य राष्ट्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेशन तथा विशिष्ट मुद्दे पर सहायता प्रदान करता है। तो ये है दोस्तों नीति आयोग जो अपने देश में है। तो इससे संबंधित हम आपके लिए प्रश्न बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपके लिए समझ में आएगा सभी इसके प्रश्न व उत्तर। और वीडियो को आगे देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन होगा उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सामान्य ज्ञान का ये वीडियो है जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग से एक प्रश्न जरूर आता है, अवश्य आता है। इसलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर, प्रश्न देखते हैं क्या। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपके लिए अन्य वीडियो की लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप सामान्य ज्ञान पर्यावरण अध्ययन इत्यादि वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन थर्ड वाला है, 1 जनवरी 2015 के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जगह पर पहले योजना आयोग कार्य करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग किसके स्थान पर कार्य करती है? मनरेगा योजना, योजना आयोग, सिविल आयोग। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो योजना आयोग है, उसके स्थान पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के लिए सही कथन कौन सा है? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, नीति आयोग संवैधानिक संस्था है, और नीति आयोग मन की बात कार्यक्रम के लिए बनाई गई थी, ये गलत है। और नेक्स्ट जो है वो नीति आयोग विचार मंच थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, ये सही है। नीति आयोग एक निजी संस्था है, ये गलत है। तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, केवल ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, नीति आयोग विचार मंच थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री पद पे जो होता है वही कहलाता है, अर्थात प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का शब्द संक्षेप क्या है? नीति NIT, नीति का शब्द संक्षेप क्या है? तो इसका जो जो है आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन नेशनल इंडियन ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड इंडियन नहीं है, और नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रेड इंडिया नहीं है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फोर वाला, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांस फॉर्मिंग इंडिया, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे वो हमें बताना है। तो जो है इसका जो आंसर है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पानगाड़िया, ऑप्शन थर्ड वाला ये सही है, अरविंद पानगाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? CEO, तो इसके जो प्रथम CEO बने थे वो हमें बताना है। ऑप्शन है सिद्ध श्री खुल्लर, अफ्ताब कांत, डॉक्टर राजीव कुमार। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर बने थे, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व तो है, जो इसका क्रियान्वयन करेंगे उसका दायित्व किस किसका है वो हमें बताना है। केवल केंद्र सरकार पर, केवल राज्य सरकार पर, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर है, इसका कार्य दायित्व जो भी है वो दोनों पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है असंवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, निजी संस्था और राजनीतिक पार्टी। तो दोस्तों नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, ये वाला सही है और सभी गलत हैं।